दांत हिलना, दांतों में दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म लगना, इन सभी समस्याओं को आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से जो है दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो बड़ी समस्या होती है, जिस व्यक्ति के दांत हिलने लगते हैं, जाड़े हिलने लगती हैं, उनको दोबारा उसी जगह पर सेट किया जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। इस विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है दांत हिलना, दांतों में दर्द होना, जाड़ों में कीड़ा लगना, पायरिया होना, ठंडा गर्म लगना, और किसी के दांत हिल रहे हैं, टूटने वाले हैं, वो भी जो है 20 दिन के प्रयोग से अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। इस विषय पर हम बात करेंगे। एक कंपनी इस प्रोडक्ट को बहुत महंगा, MLM कंपनी है, मल्टी लेवल कंपनी, मैं नहीं कहूँगा आप उसका लो, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि किसी का नाम लेना, किसी का डिमोशन करना और किसी का प्रचार करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम क्यों करें, हमने कोई पैसा थोड़ी दे रखा किसी से। तो उस वो 4500 रुपए का जो है इसको बेच रही है फुल ट्रीटमेंट इसका, जबकि बड़े सस्ते में आप इसको घर पे तैयार कर सकते हो, तो और चाहो तो हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हो। तो प्रयोग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोबारा समस्याओं पर गौर करते हैं। यदि किसी के दांत हिलते हों, किसी के दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, चाय पियो वो भी लगती हो, ठंडा पानी पियोगे वो भी लगता हो, गर्म पानी पियोगे वो भी लगता हो, किसी के जाड़ में कीड़ा लग गया हो, या किसी के दांत भुरने लगे हों, दांत अपने आप टूटने लगे हों, या किसी के दांतों में पायरिया लग गया हो, किसी के दांतों से खून आता हो, किसी के दांतों से मवाद निकलता हो, इन सभी समस्याओं को जो है इस प्रयोग से आप ठीक हो जाओगे। तो बात करते हैं हम क्या क्या है उसके अंदर। हरड़ है 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, रीठा 10 ग्राम, 500 नमक 2-2 ग्राम कुल 10 ग्राम, सनाय पत्ती 10 ग्राम, चूना 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम और पुनर्नवा 10 ग्राम। इस पूरी सामग्री को लेकर के जो है आपको कूट लेना है अच्छी तरह से। इसके अंदर आप दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हो 10 ग्राम। इसको खूब अच्छी तरह से कूट करके बिल्कुल ये जब ऐसा हो जाए कि बिल्कुल पिस गया है, तो फिर इसको कपड़े से छान करके जो अपने घर पर रख लो। फिर आधा गिलास बिल्कुल जलता हुआ गर्म पानी, बहुत गर्म हो, उसके अंदर इसकी आधी चम्मच डाल दो, और वो आधी चम्मच डाल के इसको जो है 5-7 मिनट इतनी देर तक रखा रहने दो जितनी देर तक ये पीने लायक ना हो जाए। जब ये पीने लायक हो जाए, सुहाता सुहाता गुनगुना सा हो जाए, फिर इस पानी की घूंट भर के, और उसको पीना नहीं है, हालांकि यदि आप गलती से पी भी लोगे तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी घूंट भर के उसको जो है अपने मुंह के अंदर घुमाना है। जब तक आप घुमा सकते हो फिर उसको रोक लो, फिर घुमाना शुरू कर दो, मतलब लगभग 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट आप इसको दे दो। 20 दिन ये प्रयोग करोगे तो 20 दिन में जो है आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मात्र 20 दिन में ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा, कीड़ा जो आपकी जाड़ में लगा है वो मर जाएगा, और जो पायरिया है वो ख़त्म होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा, दांत हिलते हैं वो अपनी जगह पर रुकने लगेंगे। ऐसा ये प्रयोग है। तो ये सारी सामग्री जो है बराबर बराबर मात्रा में आपको लेनी है। दोबारा से कहो तो बता दूं, हरड़ 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, रीठा 10 ग्राम, काला नमक, सफ़ेद नमक, पांचों जो नमक होते हैं वो 2-2 ग्राम करोगे तो 10 ग्राम हो जाएगा, सनाय पत्ती 10 ग्राम, चूना 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम और पुनर्नवा 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। इसके अंदर एक और शब्द है डंग भसम, डंग भसम इसके अंदर मिलानी है आपको 20 ग्राम। डंग भस्म आपको थोड़ा ऐसा लगेगा यार ये क्या होती होगी, डंग भस्म है गाय के उपलों की भस्म, गाय के उपलों की भस्म, वो भी इसके अंदर मिलानी है। ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, हमने प्रयोग करके देखा है, हमने पैसे लगाए हैं, मैं चलो करके तो देखते हैं इससे कुछ होता है, तो करके देखा, फिर हमने इसको खुद तैयार किया, 5-6 लोगों को दिया, उन सबको लाभ हुआ और ज़बरदस्त लाभ हुआ, आपको भी लाभ होगा, आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे।
यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे जब कभी भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब जिन लोगों को जाड़ में दर्द हो रहा हो, भयंकर पीड़ा हो रही हो, ये तो 20 दिन का समय ले लेगा, लेकिन जल्दी रिलैक्स हो, जल्दी आराम हो, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ कीड़ा लगा हो तो उसके लिए आपको अजवाइन सत ले आओ 3 ग्राम, 3 ग्राम ले आओ पुदीना सत, और 3 ग्राम ले आओ भीम सैनी कपूर। कपूर और भी बहुत हैं, लेकिन आप भीम सैनी ही लेके आना, क्योंकि खाने के लिए जो है भीम सैनी कपूर का ही प्रयोग किया जाता है। ये तीनों कपूर ले आओ, बराबर बराबर मात्रा में लेके आने हैं। आप चाहो तो 10-10 ग्राम ले आओ। ये तीनों कपूर ले आने के बाद फिर इनको किसी ऐसे बर्तन में जो है अलग अलग लेके आना। अगर आप इकट्ठे तुलवा लोगे पंसारी के यहाँ से तो आपके घर पे आते आते ये पिघल जाएंगे। तो इनको आपको क्या करना है, इनको जो है आप किसी बर्तन में डाल दो, ऐसे बर्तन में, ऐसी बोतल वगैरह में, छोटी सी में, जिसको आप ढक्कन लगा सको, उसमें डाल करके ढक्कन के अंदर जो है मतलब बोतल में डाल करके ऊपर से ढक्कन लगा दो, और उस ढक्कन के अंदर इसको 5-7 मिनट के लिए रखा रहने दो। फिर जो है जब ये 5-7 आधा घंटा रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो है हर रोज दिन में 2 बार क्या करना है, आपके हाथ के ऊपर या तो हल्दी ले लो या नमक ले लो। सबसे अच्छा तो रहेगा यदि आप ले लो तो राख, उपलों की राख हो, लकड़ियों की राख हो, किसी भी लकड़ी की राख हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आम की, जामुन की, बबूल की, इनकी या पीपल की इनकी राख है तो और भी उत्तम होती है, और भी गुणकारी होती है। वो राख ले लो, लगभग 5 ग्राम 10 ग्राम, 5 ग्राम काफ़ी है। उसके अंदर एक बूंद, मात्र एक बूंद अमृत धारा की डालनी है, और जो आपकी जाड़ दुख रही है उस जाड़ के अंदर यदि गड्ढा है तो उस गड्ढे में फंसा दो उसको, और यदि गड्ढा नहीं है तो उस जाड़ के ऊपर तो ऐसे उसका मंजन करना ही है, साथ में और भी जो जाड़ है आपकी, और भी जो दांत हैं, उन सब के ऊपर भी कर लो। ये थोड़ा ठंडा ठंडा तो लगेगा आपको, और जो है ये आपके जाड़ के दर्द को मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-20 सेकेंड, दोबारा बताता हूँ, मुश्किल से 10-20 सेकंड का ही समय लगेगा और आपकी जो जाड़ का दर्द है वो समाप्त हो जाएगा 10-20 सेकंड में। हमने ये प्रयोग करके देखा है, पिछले 5 या 6 सालों से ये प्रयोग हम करवा रहे हैं। तो अमृत धारा इसको बोला जाता है, ये और भी बहुत सारे रोगों में काम करती है। तो अगली वीडियो हम जरूर अमृत धारा पर ही बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको पता लगे कि अमृत धारा को हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की।